हेलो गाइज, आई एम अजय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में तुम्हें लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए स्मार्ट दिखने की इतनी अमेजिंग टिप्स बताने वाला हूँ ना कि बहुत ज्यादा तुम्हारा लुक जो है अट्रैक्टिव हो जाएगा और कोई भी देखेगा ना तो बोलेगा यार तू पहले कैसा लगता था और कितना अमेजिंग लग रहा है। तो इसमें तुम्हारे हेयर को कैसे सेट करना चाहिए और साथ ही साथ तुम्हारे फेस को कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए और साथ ही साथ लुक को कैसे इंप्रूव करें, मतलब फैशन सेंस को कैसे इंप्रूव करें, ये टिप्स तुम्हें मिलने वाली है और ये टिप्स जो है ना बहुत काम आएगी तुम्हारे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू तुम देख लेना ताकि तुम्हारा लुक जो है काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाए। तो सबसे पहले तुम्हारे लुक्स पे तुम्हारे हेयर आते हैं, जो कि हेयर स्टाइल तुम्हारी और हेयर कट जो है सबसे ज्यादा मेन चीज होती है, बिकॉज उससे तुम्हारे लुक का जो है पता चलता है कि कितना तुम स्मार्ट दिख रहे हो कितना नहीं दिख रहे हो। तो बेसिकली फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर कट तुम्हारा होना चाहिए और हेयर कट जो है फेस शेप के अकॉर्डिंग कैसे होता है। फेस शेप अगर बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब आपका फेस बहुत ज्यादा छोटा है, तो आपको बारीक हेयर कट होता है वो अवॉइड करना है, तुम्हें थोड़े ज्यादा हेयर रखने। अगर फेस तुम्हारा बहुत ज्यादा मोटा है तो भी तुम्हें एग्जैक्टली मतलब मीडियम लेंथ के हेयर रखने चाहिए और तुम्हारा फेस कट नॉर्मल है तो तुम्हें फेडेड हेयर स्टाइल रखनी चाहिए, बारीक कट तुम करवा सकते हो, काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगा। और वहीं तुम्हारा फेस जो है बहुत ज्यादा मोटा है और तुम जो है बहुत ज्यादा फाइन हेयर कट मतलब बारीक हेयर कट करवा लेते हो, फेडेड हेयर स्टाइल रखते हो, तुम्हारा फेस जो है और ज्यादा मोटा दिखता है। तो इसीलिए तुम्हें हेयर कट जो है ऐसा चूज करना है कि तुम्हारा फेस जो है वो सही लगे। तो हेयर कट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे लुक्स के मामले में, तो ये इंप्रूव करना जरूरी है। सेकेंडली तुम्हारी हेयर जो है सेट रहना चाहिए। अगर तुम मैसी हेयर स्टाइल्स कर रहे हो तो उसमें सेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत आपको उनको देखना है कि हेयर कैसे लग रहे हैं। और अगर तुम्हारे हेयर कर्ली हैं या फिर तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रेट हैं या फिर तुम्हारे बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल हेयर है तो तुम जो है अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखा, तुम जाके देख लेना है, मेरे और वीडियोस भी देखो ताकि उनसे तुम्हारे लुक जो इंप्रूव हो सके, तो इसीलिए वो वीडियो जाके देख लेना, इसमें मैं सब कुछ नहीं बता सकता। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो तुम्हारा फेस। फेस को हमेशा वीक में दो बार एक्सफोलिएट जरूर करना चाहिए। एक्सफोलिएट स्क्रबिंग होती है, बेसिकली स्क्रबिंग तुम्हें करनी चाहिए वीक में दो बार, उसमें स्टीम भी ले सकते हो तुम। तो फेस को ये करने से तुम्हारा फेस जो है क्लीन होगा, मतलब इंप्योरिटीज है जो फेस की वो क्लियर होगी और ज्यादा फेस तुम्हारा फाइन दिखेगा, ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव होंगे और गंदगी जितनी भी है फेस से तुम्हारी रिमूव होगी, उससे क्या होगा फेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट जो है इसमें आती है फेस में बियर्ड। बियर्ड जितनी अच्छी तुम्हारी सेट रहेगी उतना ही तुम्हारा लुक इंप्रूव होगा। जिनकी बियर्ड नहीं है वो आगे देख सकते हैं, लेकिन बियर्ड जिनकी है तो वो सेट रहनी चाहिए। और वहीं बियर्ड बहुत ज्यादा मेसी सी है या फिर बियर्ड बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है तो उसको सेट करवाओ यार, सैलून में जाओ सेट करवा लो, या फिर उसको फाइन कर सकते हो मतलब बारीक रख सकते हो बियर्ड, वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर कट वगैरह लगवा सकते हो तुम बियर्ड के अंदर, वो सेट रहनी चाहिए। बेसिकली नेक्स्ट जो तुम्हारे आईब्राउज, अगर तुम्हारे आईब्राउज बहुत ज्यादा मोटे मोटे या फिर अनइवन शेप है तो उसको थ्रेडिंग से सही करवाओ। और एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी रेजर वगैरह से मत करवाना, थ्रेड से ही करवाना तो ये ज्यादा बेटर लगता है, आईब्रो शेप में आ जाता है, तो ये तुम्हें करवा लेना है अगर ज्यादा बड़े बड़े आईब्रो या फिर यहाँ बीच में भी हेयर आईब्रो के तो भी सही करवा लेना। फैशन में तुम्हें क्या करना, अवॉइड करने तुम्हें फेक ब्रांड्स, फेक ब्रांड्स के क्लोज पहनना बंद कर दो। फेक ब्रांड्स के क्लोथ तुम पहनते हो तो वो टोटली फेक दिखते हैं, सबको पता चलता है फेक है, तो वो नहीं करना है तुम्हें। तुम जितनी कॉपीज लाओगे ना उतने में उससे अच्छे तुम्हें क्लोथ मिल जाएंगे जो नॉर्मल ब्रांड्स है बहुत ज्यादा मतलब जो अफोर्डेबल ब्रांड्स होते हैं उनके आप क्लोथ पहन सकते हो। आजकल बहुत सारी ब्रांड्स आ चुकी है यार मार्केट में जो अच्छे क्लोथ बनाते हैं, उनके पहनो रादर देन फेक। अगर तुम ओरिजिनल अफोर्ड कर पाते हो तो ओरिजिनल पहन लो, वरना नॉर्मल ब्रांड्स की पहन सकते हो। आउटफिट की बात आती है तो मैं आउटफिट में तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर तुम्हारी एज जो है 30 से कम है तो तुम्हें कैजुअल आउटफिट्स पहननी चाहिए, फुल फॉर्मल नहीं, कैजुअल। कैजुअल आउटफिट काफी ज्यादा अच्छी लगती है तुम पे और इस एज में काफी ज्यादा अच्छे लगते हो कैजुअल में। फॉर्मल मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें फॉर्मल नहीं पहननी है, फॉर्मल पहननी है लेकिन ओकेजनली, अगर तुम कोई ऑफिस वगैरह या तुम्हें जॉब है वहां पे फॉर्मल मिलती है तो वहां पे पहन सकते हो, बट अगर तुम कोई भी आउटिंग के लिए जा रहे हो, तुम कहीं पे जा रहे हो मतलब बेसिकली, या फिर नॉर्मल कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो वहां पे तुम कैजुअल आउटफिट पहनो, मतलब जैकेट्स वगैरह हो गया, जीन्स वगैरह हो गई, शर्ट जो है ऐसे पहनो तो वो कैजुअल ज्यादा अमेजिंग लगेगा। अब गाइस यहाँ पे कैजुअल आउटफिट की बात आ रही है तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, लेयरिंग भी ट्राई करनी है, जैसे कि टी शर्ट के ऊपर जैकेट हो गया, टी शर्ट के ऊपर शर्ट हो गया, फिर स्लीवलेस के ऊपर शर्ट हो गया, इस तरीके की चीजें पहनोगे ज्यादा अमेजिंग लगेगा, और साथ साथ जीन्स वगैरह पहनोगे इनके ऊपर तो काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगा। और जो है तुम्हें शर्ट को क्या करना है, अगर कैजुअल पहन रहे हो तो तुम्हें शर्ट को टक इन नहीं करना है,
शर्ट को आउटसाइड ही लेफ्ट रहने दो, ज्यादा अमेजिंग लगोगे। जीन्स के ऊपर शर्ट ना ऐसे अच्छा लगता है, राधा देन उसको टक करके पहनना। तो टक करके जीन्स के ऊपर शर्ट को नहीं पहनोगे तो ज्यादा बेटर लगोगे, लेकिन शर्ट ऐसे ही छोड़ोगे तो ज्यादा अमेजिंग लगोगे। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, टक नहीं करना है शर्ट को, और स्लीव्स को जो है फोल्ड करना है तुम्हें। शर्ट की स्लीव को ऐसे पूरा टाइटली बंद नहीं करना, वो ज्यादा अमेजिंग नहीं लगता, उससे तुम्हारी आर्म्स नहीं दिखती, उससे तुम्हारी आर्म्स दिखती अगर स्लीव को फोल्ड कर लोगे, और वो ज्यादा बेटर लगेगा। अब हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है, कोई भी आउटफिट पहन रहे हो, कैजुअल फॉर्मल कोई भी, उसके अंदर वॉच जो है कंपल्सरी होनी चाहिए। वॉच जो है एक ऐसे एक्सेसरी है जो कि हर आउटफिट के साथ अच्छी लगती है, तो तुम्हें वॉच हमेशा कैरी करनी है। वॉच का रूल क्या होता है, यहाँ आपकी मतलब रिस्ट है ना उससे 2 इंच ऊपर की ओर होनी चाहिए। यहाँ पे लटकती हुई वॉच बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, या फिर यहाँ बहुत ज्यादा आपने पास वॉच रखी है मतलब आपकी पाम के, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रिस्ट से हमेशा 2 इंच यहाँ पे आगे आनी चाहिए रिस्ट के ऊपर, तो वही ज्यादा अमेजिंग लगेगा। वॉच जो है ये रूल होता है वॉच का, ज्यादा आपके पाम के क्लोज नहीं जाने चाहिए वॉच। अब एक्सेसरीज की बारी आती है, तो एक्सेसरीज जो है तुम्हें हमेशा कैरी करके रखनी है। देखो हर आउटफिट के साथ एक्सेसरी नहीं जाती है, जैसे तुमने जैकेट शर्ट या फिर लेयरिंग कर रखी है तो उसके ऊपर तुम नेकलेस पहन सकते हो, कोई भी लॉन्ग या फिर पर्ल नेकलेस वगैरह तुम्हें अच्छा लगता है तो पहन सकते हो। तो इस तरीके की मतलब एक्सेसरी जो ऐसी आउटफिट पे चलती है। अगर तुमने मतलब नॉर्मल शर्ट पहन रखा है तो उसके ऊपर तुम्हें कोई भी एक्सेसरी नहीं पहनी, रादर देन रिंग्स। रिंग्स तुम पहन सकते हो, ब्रेसलेट तुम पहन सकते हो, लेकिन नेकलेस वगैरह नॉर्मल शर्ट के ऊपर कभी मत पहनना, ज्यादा ऑड लगोगे, ज्यादा बुरी लगोगे। टी शर्ट के ऊपर चल सकती है तुम्हारी कोई भी एक्सेसरी, लेकिन शर्ट जो नॉर्मल पहन रखे उसके ऊपर नहीं। तुम लेयरिंग कर रखी तो टी शर्ट के ऊपर पहन सकते हो, ऊपर से लेयरिंग काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगी। और तुम्हें रिंग्स जो एक आध कैरी कर लेनी है, और ब्रेसलेट भी तुम पहन सकते हो, इससे तुम्हारा लुक जो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। तो अब यहाँ पे शूज की भी बारी आ जाती है, बिकॉज फैशन में शूज की बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। शूज जो है हमेशा तुम्हें मतलब आउटफिट के अकॉर्डिंग ही कैरी करने हैं। शूज में तुम्हारे पास व्हाइट स्नेकर होने चाहिए, बिकॉज व्हाइट स्नेकर जो है काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और हर आउटफिट के साथ जाते हैं। और रही बात लोफर की, लोफर भी तुम ट्राई कर सकते हो, लोफर भी काफी ज्यादा हर आउटफिट के साथ जाता है, समटाइम्स फॉर्मल के साथ भी अच्छे लगते हैं लोफर। और साथ ही साथ जो है तुम्हारे पास बूट्स जो है तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली चेल्सी बूट भी काफी ज्यादा सेक्सी लगते हैं। चेल्सी बूट्स भी तुम्हारे पास होने चाहिए जो कि काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब एक लास्ट टिप देना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो टिप है कि तुम्हें वेस्ट पहननी है। कोई भी शर्ट पहनो उसके अंदर वेस्ट, टी शर्ट के अंदर तुम्हें वेस्ट नहीं पहननी है, यहाँ साइड्स दिखती हैं तो नहीं पहननी है तुम्हें वेस्ट। जो उससे क्या होगा, अगर समर्स हैं तो एक्स्ट्रा स्वेट जो है वो बाहर नहीं आता है, आपका शर्ट नॉर्मल दिखता है, सही दिखता है। और साथ ही साथ वेस्ट से तुम्हारी जो बॉडी है वो भी काफी ज्यादा हद तक इंप्रूव हो जाती है पहनने से ही, तो शर्ट ज्यादा अमेजिंग लगता है वेस्ट के ऊपर, तो तुम वेस्ट जो है कंपल्सरी पहनना है। तो ये जो टिप्स है, ये सभी टिप्स जो है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम स्मार्ट दिखोगे इन सब चीजों से, तो इसीलिए इन सब चीजों को कर लोगे तो तुम्हारा लुक जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद तुम सब चीजों को ट्राई जरूर करना, तुम्हारा लुक काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, उनको जरूरत हो सकती है इस वीडियो की। सो थैंक यू गाइस।